जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का दिन सबसे खास है क्योंकि आज हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस अर्थात जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, आदि पुरुष हैं, इस जगत के पालनहार हैं। श्री कृष्ण को हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक योद्धा, शिक्षक और नायक माना जाता है। श्री कृष्ण वही हैं जो मेरी और आपकी, हम सबकी नैया को इस भव सागर के पार लगाते हैं। आइए चलते हैं वृंदावन। हमारे नंदलाल वृंदावन की प्रकृति की गोद में पले बढ़े हैं। उनकी मधुर लीलाएं अनंत हैं और हम सबका मन मोह लेती हैं। चाहे वह माखन चराना हो, गोपियों के साथ रास रचाना हो, उखल बंधन लीला हो, असुरों और दानवों का वध करना हो, ऐसी अनंत लीलाएं रची हैं नटखट बाल कृष्ण ने। इस नृत्य प्रदर्शन के माध्यम में इनके जीवन पर दृष्टि डालते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। मधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम I'm
की अत्यंत प्रमुख भूमिका पांडवों के जीवन में एक मित्र के रूप में थी। पांडव पांच समर्पित और धार्मिक भाई थे, जिनके राज्य को उन्हीं के अहंकारी और अधार्मिक कौरवों ने हड़प लिया था। यह महायुद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडव अर्जुन के सारथी के रूप में उनका साथ दिया था। और तभी उन्होंने भगवद गीता के 701 श्लोकों द्वारा अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के मन में अनेक संशय थे और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र प्रणायः धार्तराष्ट्र रणे हनी स्नतन्मे श्रीमंत्रम भवेत। अर्थात, शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, मुझ ने हत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपनी गांडीव एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। फिर श्री भगवान कहते हैं, कुतस्तव कश्मलमिन्दम विस्मय समुपस्थितम अनारिजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुनम। अर्थात, श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। यह कहते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि देहिनु अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मोहयति। अर्थात, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यवस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। इसी प्रकार अनेक श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और नश्वर शरीर, सुख दुख में समान रहने, कर्मनिष्ठ होने आदि का उपदेश दिया है। ये भगवद गीता का ज्ञान उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है और इस अगले नृत्य में यही दर्शाया गया है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि ना समय। समय
Krishna, 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 Hare.